एंड वेलकम, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब के नए वीडियो पर। आज हम आए हैं फिरोशा कोटला, और फिरोशा कोटला में आज हम आए थे नमाज पढ़ने। नमाज पढ़ने के बाद हम बाहर आए हैं और खा पी के हम बिल्कुल रेडी हो चुके हैं, टिच हो चुके हैं। अब हम जाने वाले हैं फिरोशा कोटला पे, और साथ में एज ऑलवेज हमारे साथ रिजवान भाई हैं। ये रहे तो क्या नाचो मैं? स्माइल लेते हुए हमारे रिजवान भाई। तो रिजवान भाई, आपका कैसा एक्सपीरियंस है? फर्स्ट टाइम कब आए थे आप फिरोशा कोटला? मैं फर्स्ट टाइम आया था 9th क्लास के अंदर। अच्छा, शुभ रात पर रात को। समझ रहे हो आप? और ये उसने घर वाले से झूठ बोलकर हम सबकी ऐसी कहानी है कि झूठ बोलकर उस टाइम कमाल की बात है, इनके भाई की जेब में 1 रुपये भी नहीं था। ये गए कैसे थे, फूड शॉकिंग न्यूज हम बाद में सुनेंगे। तो आप चलते हैं अपना फिरोशा कोटला का, मैं आपको दिखाता हूँ। ये हमारे पीछे इसका एंट्रेंस है। टिकट हमने ले लिया है, टिकट में हम एक बार एंटर कर चुके हैं, दोबारा एंटर करेंगे टिकट लेने के बाद। हम लोगों ने गार्ड से मांडावली करी, पहले हमने नमाज पढ़ी यहाँ पे, 2:30 बजे नमाज होती है। नमाज और एक सीन और, पहले यहाँ पर कुछ सालों पहले, 1-2 साल पहले यहाँ पर नमाज के लिए कोई टिकट नहीं था, बट अब टिकट हो चुका है। ऑनलाइन बुक करेंगे टिकट तो 20 रुपये का है, और आप ऑफलाइन करते हैं यहाँ पर पीछे काउंटर है उसमें करेंगे तो आपको 25 रुपये का टिकट लेना पड़ेगा। तो चलिए अंदर चलते हैं हम। तो हम फिरोशा कोटला के अंदर आ चुके हैं, बजाओ ताली। एंट्री हमारी हो चुकी है, आपको कुछ छोटा सा हमने नजारा दिखाया है फिरोशा कोटला का, जो कि बहुत खूबसूरत है। 1360 में फिरोशा तुगलक ने ये बनवाया था, और इसकी जो कुछ प्रसिद्ध चीजें हैं जो फेमस है, जो आपको भी आगे वीडियो में दिखाएंगे, वीडियो में बने रहे। जो यहाँ की सबसे फेमस प्रसिद्ध दो चीजें हैं वो हम आपको आगे वीडियो में दिखाएंगे। मौसम हो रहा है बहुत ज्यादा ठंडा। अरे तो क्या करूं, नहाऊं? कूट साला। मजेदार जबरदस्त जिंदाबाद, और आपको दिखाते हैं छोटा सा यहाँ पर व्यू जो बहुत सेक्सी है। इन्वेस्टिगेशन करने के बाद दया, तो आपने क्या इन्वेस्टिगेशन करी? बहुत सुअर एक्टिंग कर रही है एसीपी साहब की। तो लगा कि जो अशोक स्तंभ है ऊपर जाने का रास्ता माइट भी क्लोज हो सकता है। अशोक स्तंभ का भी आपको छोटी सी एक हिस्ट्री बताएंगे, जो उसकी रियलिटी है वो ऊपर जाते हैं, फिर आपको दिखाते हैं और पूरा बताते हैं। मौत देखिए, स्तंभ मौत अभी सामने है हमारे राइट साइड में, ये राइट साइड में मॉस्क्यू है, लेफ्ट साइड में अशोक स्तंभ है। तो चलते हैं। तो सोनू भैया यार, ये अशोक स्तंभ पीछे है, मैं दिखाता हूँ तेरा। यहाँ पर इन्होंने डॉग लगा रखा है, अशोक स्तंभ पे इन्होंने डॉग लगा रखा है, क्या मसला है, क्या बात है, क्या कहना चाहेंगे आप? अशोक स्तंभ पे इन्होंने डॉग लगाया हुआ, मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि अगर मुझे कोई बल्ला बल्ला मिल जाए तो गाट के खींचे वहाँ। ये अशोक स्तंभ पे सीन कुछ ऐसा है भाई लोगों, यहाँ पर सब अशोक स्तंभ वगैरह सब काफ़ी चीज़ें यहाँ पर लॉक हुई हुई है, बस आप बार बार से आप व्यू कर सकते हो। अब रिजवान भाई ने बहुत कोशिश करी हमारे भाई ने, यहाँ के गार्ड से थोड़ी मांडवली करके इसके लॉक खुलवाए, तो आपको दिखाते हैं कैसे मांडवली करी। नाटकीय रूपांतरण। हाँ प्रमुख, बात नहीं है भैया जी, कैसे आयो? आप ऊपर जाने का कुछ करा सकते हो? नहीं नहीं भैया जी, ऊपर से आज खासी तो करना करा दे यार, देखिए भैया जी ऊपर पे। अरे क्या करो भैया जी, आज नौकरी करवाओगे? भैया जी नहीं है, नहीं नहीं तो देखो कुछ नहीं कुछ भैया जी कोई। अरे भैया जी आदेश भैया, अरे सब हो रहा है। तो गाइस, अब कुछ सीन ऐसा है, गार्ड भाई ने हमें पैसे ले लिए हैं, बट हमें तब भी ओपन नहीं करने दिया, धोखा मिलाया हमें धोखा, पैसा लेके काम नहीं किया, वो चूना लगा दिया। तो अब सीन ऐसा है, यहाँ कोई नहीं है, मॉस्क चलते हैं यहाँ पर, और अशोक स्तंभ तो नहीं जा पाए, अब मॉस्क चलते हैं। अशोक स्तंभ हमारा पीछे ये रहा ऊपर, ये नहीं जा पाए, यहाँ पर मॉस्क है, मॉस्क पे चलते हैं, दिखाते हैं मॉस्क कैसी है यहाँ पर।
कुछ ऐसा है कि यहाँ पर जो गार्ड्स हैं उन्होंने हमें माइक यूज करने के लिए बिल्कुल मना कर दिया, तो मोस्ट प्रोबेबली आपको वॉइस थोड़ी सी हल्की आ सकती है, बट वी आर ट्राइंग माई आवर बेस्ट आपको थोड़ी सी वॉइस और सही मिले बिल्कुल, बट नेक्स्ट टाइम से हम लोग थोड़ा सा इसका अलग जुगाड़ करेंगे, ये माइक का इशू हम सॉल्व करके रख लिया नेक्स्ट टाइम। या श्योर नेक्स्ट व्लॉग तो आपको दिखा रहे हैं यहाँ पर गली में गोपचा है, गोपचा गली तो गोपचा गली दिखाते हैं आपको कौन कौन सी है। कारागार नंबर एक, ये है कारागार नंबर दो, सुन व्यवस्थित, और ये है कारागार नंबर तीन। ठीक है, यहाँ पर भी लोगों को रखा जाता था, कैद किया जाता था अंदर अंदर कोने की जगह से वाली गले के अंदर, यहाँ पर क्या क्या भर के रखा हुआ है हमारे मॉस वाला वो देख के अच्छा करिए। ये बेसिकली जो मॉस्क है ना यहाँ पर कोटला फर्स है, उसके नीचे का एरिया है, ग्राउंड फ्लोर का एरिया, पहले तो ही खुला रहता था, अब लोग बंद कर दिया। यहाँ काफ़ी चीज़ें यहाँ बंद हो चुकी हैं, काफ़ी नहीं, अगर देखा जाता 60% एरिया यहाँ का बंदी क्या हुआ जो आप कवर कर ही नहीं पाओ, आप ऐसे यहाँ पर एक पार्क की तरह घूमने आ सकते हो बस। ये सब यहाँ पर पहले ओपन ही था, ये उस साइड जो दूसरी साइड है ना पीछे की साइड, तो वहाँ पर जा सकते थे, बट अब सब बंद। अब आपको दिखाते हैं एक होज जो बंद कर रखी है हमारा पैड लगे, होज बहुत अच्छा है, बैक कमरे दिखाते हैं। एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, बहुत सुहाना रहा, बहुत अच्छा रहा, हमने बहुत अच्छी अच्छी जगह विजिट करी, बहुत हमने यहाँ पर मॉस्क देखा और आपको मॉस्क दिखा चुके हैं, बस थोड़ा ये स्तंभ जो है इसमें नहीं जा पाए क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा हमने माथा पच्चे करे भी नहीं जा पाए, बट अच्छा व्यू इसी स्तंभ के ऊपर से सबसे बेहतर, और मॉस्क के अंदर से भी व्यू बहुत अच्छा जैसे आपको दिखाया हमने। तो चलते हैं फिर, थैंक यू सो मच आपके हमारा वीडियो देखने के लिए, और प्लीज़ लाइक करें, फॉलो करें एंड शेयर करें हमारी वीडियो को, और प्लीज़ सपोर्ट करें।